Zoom इस्कोटेको, Zoom इस्कोटेको। अब करीना भी क्या करें, वैसे भी आजकल की हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का दिल अपने से कम उम्र के लड़कों पर ही आ रहा है और फिल्मों में काम करने के लिए वो यंग एक्टर्स को ही प्रेफर कर रही हैं, ना कि अपने एजेड बॉयफ्रेंड्स को। शायद इसीलिए करीना अपने बॉयफ्रेंड सैफ अली खान के टशन को भूल यंग एंड डैशिंग इमरान से दोस्ती करना चाहती है। क्या सैफ बुढ़े हो गए हैं? करीना की सैफ में दिलचस्पी हुई कम? क्या करीना बनेगी सैफ की दुल्हन? क्योंकि जिस तरह से अब वो अपनी दिलचस्पी किसी और में दिखा रही हैं, उससे तो यही लगता है कि सैफ अब बुढ़े हो गए हैं। तो क्या करीना बनेंगी छोटे नवाब की दुल्हन? करीना आप कब शादी कर रही हैं? 3 साल के लिए। सुना आपने, करीना खुद ये बात कह रही हैं कि वो 3 साल तक शादी नहीं करेंगी। 3 साल तक, यानी 3 साल में सैफ तो और भी बुढ़े हो जाएंगे। अब बेबो आपकी ये बात तो हम समझ सकते हैं कि फिलहाल आपको अपना करियर ज्यादा प्यारा है, लेकिन सैफ कब तक आपका इंतजार करेंगे? अब उनकी उम्र का भी थोड़ा ख्याल कीजिए। उन्हें इस उम्र में ना सिर्फ एक साथी की तलाश है, बल्कि इन्हें अपने 2 प्यारे बच्चों के लिए माँ की भी जरूरत है। माना आप सैफ के साथ साथ उनके दोनों बच्चों को भी प्यार करती हैं, लेकिन जरा सैफों की उम्र के साथ साथ उनकी सेहत का भी तो सोचिए, जो कभी कभी इतनी बिगड़ जाती है कि छोटे नवाब को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और इस चक्कर में करीना को अपनी शूटिंग छोड़कर सैफ की देखभाल करनी पड़ती है। हमने तो ये भी सुना है कि करीना सैफ को बुढ़ा कहकर बुलाती है। क्यों करीना, क्या सैफ अब बुढ़े हो गए हैं? अच्छा ये तो बता दीजिए कि अब आपको कोई और पसंद आने लगा है? अच्छा यही बता दीजिए, क्या आप 3 साल बाद सैफ से शादी करेंगी या नहीं? अब आप इसके अलावा और कहेंगी भी क्या? छोटे नवाब तो अपनी आधी जिंदगी बड़े ही मजे से काट चुके हैं, लेकिन आपको तो अब एक लंबा सफर तय करना है। बॉलीवुड में आपका करियर भी अच्छा खासा चल रहा है, ना सिर्फ लीड रोल्स बल्कि बॉलीवुड के नंबर 1 स्टार्स के साथ आपकी कई फिल्में भी आ रही हैं। सैफ के साथ करीना की फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही हैं, इसीलिए करीना सैफ की होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्म का हिस्सा भी नहीं है। Such news, it was like the Sensex, it was being monitored like the Sensex. I guess whatever I do, it does make news. सिर्फ करीना ही नहीं, बॉलीवुड में ऐसी कई हीरोइंस हैं जो अपने एजेड बॉयफ्रेंड्स के साथ ऑन स्क्रीन काम नहीं करना चाहती। अब वो काम करना चाहती हैं बॉलीवुड के यंग एक्टर्स के साथ। तो होशियार हो जाइए छोटे नवाब, कहीं बेबो आपके हाथ से फिसल ना जाए। सलमा खान, जूम, मुंबई।